रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलोनी एक बहुत ही समझदार और दिलखुश लड़की थी, पर बेचारी की एक ही कमी थी, वो थी उसके लंबे दांत, जो उसे सबके बीच हंसी का पात्र बना दिया करते थे। ऐसे ही एक सुबह वो रेडी होकर नाश्ते के लिए टेबल पर बैठी होती है, तभी उसकी माँ अनीता उसके लिए चाय नाश्ता लाती है और उसे देते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है, आज जल्दी उठ गई, नींद नहीं आई क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही आँख खुल गई मेरी। कोई बात नहीं, चल तू अब उठ ही गई है तो नाश्ता कर ले, और हाँ कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो ऑफिस से छुट्टी ले लेना। माँ आप अच्छे से जानती हो कि मेरे दांतों की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता, फिर क्यों बेकार में कोशिशों में लगी रहती हो। इतना बोलकर सलोनी वहाँ से चली जाती है और रास्ते में चलते चलते अपने मन में सोचती है, माँ को कहीं बुरा तो नहीं लग गया होगा मेरी बात का, पर मैंने जो कहा वो सच कहा, कोई लड़का मुझे पसंद तो करता नहीं, शादी करना तो दूर की बात है, शायद मेरी जिंदगी में अकेले रहना ही लिखा है। सलोनी इतना सोचते हुए चल ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर सामने से आ रहे अरुण से हो जाती है और सलोनी के दांत अरुण की शर्ट की जेब में अटक जाते हैं, और जैसे ही वो पीछे होती है तो सलोनी के दांतों से अरुण की शर्ट की जेब भी फट जाती है, जिसे देखकर अरुण बोलता है, ओए ये क्या बदतमीजी है, अकेला लड़का देखकर इज्जत लूट रही हो, वो भी दिन दहाड़े। अरे नहीं माफ कीजिए, गलती से हो गया। ये जो कैंची जैसे दांत लेकर घूम रही हो, आप इनको जरा होठों के शटर के अंदर रखें, बहुत घातक है ये। बोला ना सॉरी, गलती से हो गया। चलो कोई नहीं, माफ किया, वैसे थैंक यू, मुझे ये शर्ट पसंद नहीं थी, अब इसकी हालत देखकर मम्मी दोबारा पहनने को नहीं बोलेंगी मुझे। चलो पहली बार मेरे दांतों की वजह से किसी का भला हुआ है। जी जी, वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, सच में, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, कभी मुझे भी मौका देना आपकी मदद करने का। अरुण की बात सुनकर सलोनी मुस्कुराने लगती है और अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, बस पहले ही मुलाकात के बाद से सलोनी की दांत अरुण के दिल पर कुछ ऐसे वार करते हैं कि दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वक्त बीतने के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और अरुण सलोनी को अपनी वाइफ बनाकर उसे अपने साथ अपने घर लाता है, जहां पर अरुण की माँ सुधा अपने बेटे के साथ दुल्हन के जोड़े में लड़की को देखकर अरुण से बोलती है, अरे बेटा ये लड़की कौन है? माँ वो ये आपकी बहू है सलोनी, हमने कोर्ट मैरिज कर ली है ना, सब इतना जल्दी में हो गया कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, प्लीज माँ गुस्सा मत होना। अरे बस भी कर, अब कितना बोलेगा, ठीक है नहीं कर रही गुस्सा, चल अब बहू का मुंह तो देखने दे। इतना कहकर सुधा सलोनी का घूंघट उठाती है और उसका सुंदर सा चेहरा देखकर खुश हो जाती है, जिसके बाद सलोनी अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, तभी सुधा बोलती है, सदा सुहागन रहो। थैंक यू माँ जी। इतना कहते ही जैसे ही सुधा की नजर सलोनी के दांतों पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में तिल मिलाती हुई बोलती है, अरुण ये क्या बदतमीजी है, इस लड़की के दांत देख जैसे मछली के कांटे होते हैं। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप, सलोनी मेरी पत्नी है, आपकी बहू है, उसके बारे में ऐसी बात मत करो। आए हाय कैसे ना कहूँ, इसके दांत देख रहा है तू, और गलती से इसने गुस्से में किसी को भी काट लिया ना तो छेद कर देगी AK-47 की तरह। नहीं माँ जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आप मुझे अपना लीजिए, मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूँगी, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। सुधा बिना कुछ कहे बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है और सलोनी एक अच्छी बहू की तरह ससुराल में जगह बना लेती है, सुधा की खूब सेवा भी करती है। सुधा अपनी बहू के गुणों से तो बहुत खुश थी, पर जब भी उसकी नजर उसके दांतों पर जाती तो वो फिर से उसे जली कटी सुनाने लगती। ऐसे ही एक दिन सलोनी घर के काम कर रही होती है, तभी उसके पास सुधा आती है और बोलती है, अरे ओ दत्तल क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, डांस कर रही हूँ। क्या बोली?
अरे माँ जी मजाक कर रही थी, साफ सफाई कर रही हूँ। अच्छा एक बात बता जरा। माँ जी पहले पूछोगी तभी तो बताऊंगी। अरे तू अपने दांतों को साफ कैसे करती है? क्या माँ जी आप इस समय मजाक करती हो? अरे सीधी सी बात है, मैं अपने दांतों को टूथब्रश और टूथपेस्ट से साफ करती हूँ। अरे वही तो। अरे टूथब्रश तो हम जैसे लोगों के लिए बना है, तेरे जैसे लोगों के लिए तो टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश बना है, उससे साफ किया कर, वो भी हार्पिक डालकर। थैंक यू माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे लिए इतनी बढ़िया चीज बनी है, अब तो मैं वही यूज करूँगी। इतना बोलकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। सुधा हर वक्त सलोनी के दांतों का मजाक बनाती रहती, पर सलोनी कभी भी अपनी सास की बात का बुरा नहीं मानती, बल्कि हमेशा उसके मजाक में खुश हो जाया करती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन सुधा की दोस्त मीरा उससे मिलने उसके घर आती है। उसे देखकर सुधा खुशी से बोलती है, अरे मीना कितने दिनों बाद आई है तू? अरे बस क्या करूं, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। चल कोई नहीं, तू बैठ, आज अच्छे से बात करेंगे हम दोनों। दोनों सहेलियां आपस में बातें करती है और तभी सलोनी उनके लिए चाय नाश्ता लाती है। मीना सलोनी के दांत ना देखकर उसके गुण देखती है और उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, वाह सुधा कितनी गुणी बहू है तेरी, आज के समय में ऐसी बहू कहाँ मिलती है, तू तो कर्म वाली है। हाँ हाँ उड़ा ले मजाक तू भी, इस दत्तल को पाने के लिए मैंने पुण्य किए थे। अरे तू तो बस उसके दांत देख रही है, पर मैं उसके गुण देख रही हूँ, कितनी भली है वो, मैं तो कहती हूँ जैसी है अपना ले, सुख ही सुख है तेरी बहू के हाथों में। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद मीना वहाँ से चली जाती है और सुधा उसकी कही बातों के बारे में सोचने लगती है। तभी सलोनी ढेर सारे कपड़े हाथों में लिए सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है और अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है और वो अपने मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है और उसके आगे के लंबे दो दांत टूट जाते हैं। तभी वहाँ सुधा आती है और सलोनी की हालत देखकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और सलोनी के टूटे हुए दांतों की जगह नए दांत लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद उसे कोई दत्तल नहीं कह पाता और साथ ही सुधा को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा से जानती थी कि तू गुनी है, पर कभी तेरी कदर नहीं की और ना तेरा ख्याल रखा ना तेरी काम में मदद की, अगर मैंने तेरी देखभाल की होती तो तेरे साथ ये हादसा नहीं होता। माँ जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे ये लंबे दांत आखिर किसी काम तो आए, वरना लोग तो मेरा मजाक ही बनाते रहते थे, कम से कम इसी बहाने आप हंसती तो है। तभी वहाँ अरुण आता है और बोलता है, अरे वाह क्या बात है, आखिर मेरी माँ और मेरी लुगाई में सुलह हो ही गई, और सलोनी तुम्हारे तो दांत भी ठीक हो गए, वाह ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक साथ सारी खुशियाँ मिल गई। सलोनी अब तो अच्छे से किस करूँगा तुम्हें। आप कुछ भी बोले जा रहे हो, अरे माँ जी बैठी है थोड़ी तो शर्म करो। अरे नहीं नहीं बहू कोई बात नहीं, चलता है इतना, सुखी रहो तुम दोनों। इतना कहकर सब मुस्कुराने लगते हैं और सलोनी की लाइफ में भी अब सब ठीक हो जाता है। यहाँ एक छोटी और सिंपल सी विराट की लव स्टोरी है। एक बार की बात है, रात के 10 बजे बहुत तेज बारिश में विराट एक रास्ते से गुजर रहा था, अचानक से बारिश की वजह से उसकी कार खराब हो जाती है, वहीं गुंजन भी बारिश के मजे लेने के लिए भीग रही होती है। तभी वो किसी को सड़क के बीचों बीच फंसी गाड़ी के अंदर देखती है और उसके पास जाकर बोलती है, अरे लागत है आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप ऐसा करिए यही हमारा घर पास में ही है, आपको ठीक लगे तो वहीं ठहर सकत हो। अरे नहीं नहीं मैं कार में ही रह लूँगा। अरे बाबू साहेब हम तो इसलिए कह रहे कि मौसम बहुत खराब हुई गवा है, यहाँ बैठे बैठे आपकी कमर ना कट जाए, इसलिए चलिए हमारे घर चलिए। ठीक है आप कहती हैं तो चलता हूँ। विराट उसकी बातें सुनकर उसके पीछे पीछे चलता है और दोनों घर आते हैं। तभी गुंजन बोलती है, ये देखिए साहब ये है हमारी छोटी सी कुटिया हमारे घर, आपको कोई परेशानी हो तो हम पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। अरे आप तो भीग गए हैं, रुकिए हम आपको कुछ कपड़ा देते हैं और आग भी जला देते हैं। अरे जी नहीं मेरे पास रुमाल है, आग मैं जला देता हूँ सूख जाऊँगा।
ठीक बा, ये लीजिए लकड़ी और लालटेन, आप आग जलाइए, हम चाय बनाकर लावत हैं। गुंजन चाय बनाती है, तब तक विराट भी आग जलाकर हाथ तापने लगता है, साथ ही खुद को सुखाता है। चाय का कप हाथ में देते हुए गुंजन विराट से बोलती है, लीजिए बाबू साहिब गर्मा गर्म हमारे हाथ की मस्त लौंग वाली चाय, आप पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी शुक्रिया। अरे बाबू साहिब थैंकू की का बात है, ये तो वो का बोलो थे मदद करने को, हेल्प हेल्प। हेल्प कहना चाहती हो? हाँ हाँ वही बाबू साहिब, हम तो आपकी छोटी सी हेल्प कर चाहत रही, इमा थैंक्यू की का बात है, ये तो हमार फर्ज रहे। वैसे चाय बहुत ही अच्छी बनाई है तुमने, मानना पड़ेगा, इसे पीकर अब कम ठंड लग रही है मुझे। अरे साहब हमको पता है ये बारिश में आपको ठंड लग गई है, इसलिए तो लौंग की चाय बनाए हैं, वो लौंग गर्म होते हैं ना इसलिए। वैसे माय नेम इज गुंजन, व्हाट नेम इज योर्स? गुंजन की अटपटी इंग्लिश सुनकर उसके मुंह से चाय निकल जाती है और वो खांसने लगता है, तभी गुंजन बोलती है, अरे बाबू साहिब आपको क्या होएगा वा, आप ठीक तो है ना, आप फाहिन तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, क्या बोला तुमने अभी जरा दोबारा कहना? अरे हम ये बोला था कि आप फाइन हैं कि नहीं, लागत है बारिश में आपकी गाड़ी के साथ साथ आपके कान भी खराब होएगा वा है। जिसके बाद विराट गुंजन की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी ना गुंजन बहुत अच्छी तो हो ही लेकिन बहुत मजाकिया भी हो। अच्छा वो कैसे? तुम्हारी खतरनाक इंग्लिश सुनने के बाद हंसू नहीं तो और क्या करूं? अच्छा तो हमारी टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सुनकर आपको हंसी आवत है, कोनो बात नहीं, वो का है ना हम छठी फेल है, जितनी अंग्रेजी आवत है वही बोलत है, छठी में पहली बार हम फेल हुई गई रही ना, तो माए बाप ने आगे पढ़ाया ही नहीं। गलत बात, पढ़ना चाहिए था, तुम्हें बोलना चाहिए था। हमने बोला था माए बापू को लेकिन उका हमारी बात पसंद ही नहीं आई, फिर हमने भी जिद छोड़ दी, कुछ टाइम बाद वही हमको अकेले छोड़कर चले गए। ओ सॉरी, इतनी देर से चहक रही थी, मैंने इसे उदास कर दिया, कुछ तो करना पड़ेगा हंसाने के लिए। गुंजन देखो तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तारारा। विराट नाचने और गाने लगता है, उसका फनी डांस देखकर वो हंसते हुए बोलती है, अरे बाबू साहिब बस 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 आप कितना हमको खराब डांस करके हंसाएंगे, बस इतना बेकार डांस तो विराट कोहली भी नहीं करता है। आओ फिर तुम भी करो ना, सिखाओ मुझे। इतना बोलकर वो उसके हाथ को पकड़कर डांस करने लगती है, तभी विराट का पांव फिसलता है और गुंजन उसे बचाने के चक्कर में उसी पर गिर पड़ती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। सॉरी बाबू साहिब हम तो हार पर गिर पड़ी, आज सॉरी बाबू साहिब। कोई बात नहीं, मेरी वजह से गिरी हो, सर्दी लग गई तुम्हें। कुछ देर बाद दोनों बातें करते हैं और रात ज्यादा होने की वजह से दोनों एक एक कोना पकड़कर सो जाते हैं। अगले दिन विराट जाते हुए बोलता है, थैंक यू, रात को तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मैं चला जाऊंगा तो तुम अपना ध्यान रखना। जी बाबू साहिब। अच्छा सुनिए। हाँ बोलो। कुछ नहीं बाबू साहिब, आप हमको भूलेंगे तो नहीं ना? कभी नहीं। गुंजन की आंखों से साफ झलक रहा था कि वो उसे जाने नहीं देना चाहती। विराट चला जाता है, वहाँ से आने के बाद तो विराट का भी मन किसी काम में नहीं लगता और वो बस गुंजन को ही याद करता है। 3 दिन बाद विराट उसी जगह उसी घर में जाता है जहाँ उसे गुंजन नहीं दिखती। विराट निराश होकर वापस आने लगता है कि तभी गुंजन उसे बाबू साहिब कहकर पुकारती है, तभी विराट उसे गले लगाकर बोलता है, आई मिस यू गुंजन, अब नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। हम भी ना ही रह सकत बाबू साहिब, लेकिन आप हमका अंग्रेजी में का बोले? मैंने बोला कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मुझसे शादी करोगी? हाँ बाबू साहिब हम भी आपके बहुत याद किए, हम रचाएंगे आपके संग ब्याह, पर हम तो छठी फेल हैं और आप इतने पढ़े लिखे। ऊ की कोनो बात नहीं। ओह तो हमारी तरह आप भी सीख गए आखिर भोजपुरी। कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। विराट उसे अपने घर ले आता है जहाँ उसकी माँ सविता हैरानी से बोलती है, तूने शादी कर ली, एक बार अपनी माँ के बारे में सोच लेता, ये तूने ठीक नहीं किया विराट बेटा, मैंने तुझे दूसरे शहर काम करने के लिए भेजा था, शादी करने के लिए नहीं। माँ मुझे माफ कर दो, मैं गुंजन से बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए शादी करके यहाँ ले आया। ठीक है अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, रुको यहीं। सविता ये बोलकर अपने बहू बेटे की आरती उतार कर उनका गृह प्रवेश करवाती है
अगले दिन गुंजन अपनी सास के पैर छूती है। तभी सविता बोलती है, जरा नाम तो बताना अपना और क्या क्या कर लेती है। सासू माँ, हमारा नाम गुंजन है और हमको घर का सारा काम करना आवत है। अब चिंता नहीं करो, अभी हम आपको दाल भात के साथ मजेदार चटनी बनाकर खिलावत है। आप बस आधा घंटा रुक जाओ। हाय राम, मेरे तो करम ही फूट गए। अरे विराट बेटा, ये तू किसे घर की बहू बना लाया? इसकी तो भाषा भी पल्ले नहीं पड़ रही। अरे माँ, ये भोजपुरी है ना, इसीलिए दाल चावल बनाने को कह रही है। गुंजन, तुम जाओ बना कर लाओ। ठीक बा। अच्छा, यहाँ सिलबट्टा तो मिल जाइए ना चटनी पीसने के लिए विराट बाबू। नहीं, यहाँ मशीन है चटनी पीसने की, उसमें सब डालो तो बन जाएगा। अरे वाह, लेकिन हमका तो वो चलाना ही नहीं आवत, आप बता दीजिए ना। क्या, इसे मिक्सी चलानी नहीं आती? सासू माँ, हम तो छठी फेल है ना, ऐसी शहर वाली कौनो चीज हमके चलानी नहीं आवत। हे भगवान, बेटा तू किस अनपढ़ गवार को यहाँ ले आया? ये छठी फेल लड़की को तूने मेरे घर की बहू बना दिया। अरे बेटा, ये कहाँ और तू कहाँ? माँ, आप गुंजन को ऐसे मत बोलो, वैसे भी अब ये मेरी बीवी है। मानता हूँ कि ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन दिल से बहुत अच्छी है। एक बहू और बीवी के सारे फर्ज अच्छे से निभा सकती है। आप भरोसा तो करो, एक मौका दे दो मेरे कहने से। मुझे कुछ नहीं बोलना अब। ये बोलकर सविता अपने कमरे में चली जाती है और विराट उसे रसोई में जाकर सारी चीजों के बारे में बता देता है। कुछ देर बाद गुंजन खाना बना लेती है और विराट के कहने से सविता वो दाल भात खा लेती है, जिसे खाने के बाद वो अपने मन में बोलती है, अरे वाह, बहू ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है और लेने का मन भी कर रहा है। क्या करूं, लू की नहीं ले लेती हूँ, भूख भी तो लग रही है ना। बहू, जरा प्लेट में और परोस दे दाल भात, जो भी है वो चटनी भी अच्छी बनी है। थैंक यू सासू माँ, लीजिए ना, आपके लिए ही तो बनाए हैं। सब खाना खा लेते हैं। गुंजन को टीवी देखना था, इसीलिए वो रिमोट को उठाकर बटन दबाने लगती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी टीवी ऑन नहीं होता। तभी गुंजन गुस्से में बोलती है, अरे ये कैसन रिमोट वा है, इतना बटन दबा रहे हैं फिर भी नहीं चलत है ये डब्बा, ऊपर से ठंड भी लग रही है हमका। गुंजन ये सब कर ही रही होती है कि तभी सविता उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और गुस्से में उसके पास आकर बोलती है, अरे ओ नासपिटी, ये टीवी का रिमोट नहीं है, एसी का रिमोट है, कितने हाई मोड पर चला रखा है, फूंक दे सारे घर की बिजली। छठी फेल कहीं की आता जाता तो है नहीं कुछ तुझे। सॉरी सासू माँ, हमका पता नहीं था और उस एसी की वजह से हमका ठंड भी लागत रही। ओहो, अब पता चला ई डब्बा काहे नहीं चलत है, क्योंकि हमरे हाथ में ओका रिमोटवा ही नहीं था। मेरे तो सच में करम फूट गए, चली जाए यहाँ से, गवार कहीं की। गुंजन बेचारी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वक्त बीतता है, गुंजन अपनी कम समझ और शहरी उपकरणों को ना जानते हुए भी घर को अच्छे से संभालने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे ही एक शाम को सविता सीढ़ियों से उतर रही होती है कि अचानक वो गिर जाती है और उसके सर पर चोट लगने से उसका बहुत सारा खून बह जाता है। गुंजन अपनी सास का खून रोकते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी डॉक्टर को ब्लड की जरूरत पड़ती है और खुशकिस्मती से गुंजन का ब्लड सविता से मैच हो जाता है, जिसके बाद सविता की जान बच जाती है और घबराहट में रोते हुए गुंजन विराट के गले लगकर बोलती है, विराट बाबू, सासू माँ ठीक तो हो जाइए ना, पता नहीं माँ जी कैसे गिर गई, हमको उनके पास होना चाहिए था ना। तुम चिंता मत करो, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, अपना ब्लड देकर तुमने मेरी माँ की जान जो बचाई है, गुंजन उसके लिए थैंक यू सो मच। तभी डॉक्टर उन्हें सविता से मिलने के लिए बोल देता है। डॉक्टर सविता को बता देता है कि उसकी बहू ने ही उसे खून दिया है, जिसके बाद सविता बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे क्या क्या नहीं बोला, आखिर में तूने मुझे छठी फेल गवार बोलने के बाद भी मेरी जान बचाई। सच में बहू, तू बहुत अच्छी है, अब से मैं तुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। कोई नहीं सासू माँ, आप हमका दिल से अपना ली वही काफी है, माफी की कोनो जरूरत नहीं। कहते हैं ना दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वहीं गुंजन और सविता के साथ भी ऐसा ही होता है और इस तरह सविता अपनी छठी फेल बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मयंक अपने दोस्त सौरभ के साथ बाइक से कॉलेज जा रहा होता है तो वो दोनों
रास्ते में देखते हैं कि कई जगह फूलों की दुकानें लगी है। रास्ते में आने वाली सभी गिफ्ट शॉप भी नए नए गिफ्ट और टैडी से भरी हुई है। ये देखकर दोनों हैरान होते हैं और कॉलेज जाकर मयंक सौरभ से बोलता है, भाई देख रहा हूँ आजकल ये फूलों की दुकान बड़ी खुल गई है, आखिर क्या बात है, कोई फेस्टिवल आने वाला है क्या? पहले तो मैं भी हैरान था ये देखकर कि कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन कॉलेज आकर पता लग गया। क्या पता लगा, मुझे भी बताना। भाई देख ले आसपास, इन लैला मजनू को जो बाहों में बाहें डाले घूम रहे हैं, इन्हीं का त्योहार आने वाला है, आशिकों के नवरात्रे, वैलेंटाइंस डे। ओ अब याद आया, फेब का महीना स्टार्ट हो गया। अरे यार, लेकिन हमारे पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, किसके साथ मनाइए आशिकों का त्योहार? तेरे पास नहीं है, मेरी तो बात चल रही है एक लड़की से इंस्टा पर, सोच रहा हूँ प्रपोज डे वाले दिन प्रपोज करके वैलेंटाइंस डे के मजे लूं। अबे साले देख लियो, कहीं वो एंजल प्रिया ना निकले। अब चल, क्लास के लिए लेट हो रहा है। मयंक और सौरभ अपनी क्लास लेने चले जाते हैं। लंच टाइम में दोनों कॉलेज कैंटीन में बैठे समोसे खा रहे होते हैं, तो वहाँ एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को घुटनों के बल बैठकर रिंग पहनाते हुए प्रपोज करता है। ये देखकर सौरभ बोलता है, भाई कभी कभी जलन होती है इन आशिकों से, साले भंडी सी शक्ल वाले लड़के बंदियां घुमा रहे हैं। अबे ये छोड़, कल हमारे पड़ोसी का 5 साल का लड़का चंदा इकट्ठा कर रहा था। क्यों? उसको अपनी ट्यूशन वाली गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइंस डे के लिए गिफ्ट देने थे इसलिए। भाई देख ले, 5-6 साल के निब्बे भी बंदियां लेकर घूम रहे हैं और हम नौजवान सिंगल हैं। छोड़ ना साले, वैसे भी तेरी तो बात चल रही है एंजल प्रिया से, पर मुझे तो लगता है भगवान से बात करनी पड़ेगी गर्लफ्रेंड के लिए। हाँ ये तो है, पर मेरी वाली कल से रिप्लाई नहीं दे रही। वो इसलिए क्योंकि वो मेरी ही फेक आईडी है। इतना बोलते ही मयंक भागते हुए कैंटीन से निकलता है और सौरभ उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन मयंक उसके हाथ नहीं लगता। अगले दिन जब वो कॉलेज आता है तो सबसे पहले कॉलेज के मंदिर में जाकर 2 अगरबत्ती जलाकर हाथों को जोड़ते हुए भगवान से बोलता है, हे माता रानी, मैंने हमेशा आपके साल में आने वाले दोनों नवरात्रि रखे हैं, लेकिन इस बार मेरी इच्छा ये आशिकों के नवरात्रि रखने की हो रही है। कृपया मुझे भी किसी देवी से मिलवाइए ताकि मैं भी इन नवरात्रों में उसकी पूजा अर्चना करके उसको गुलाब, टेडी और चॉकलेट अर्पित कर सकूं। कृपा करो माता रानी। अपनी प्रार्थना करके मयंक जैसे ही आंखें खोलता है तो माता की मूर्ति से एक फूल उसके आगे गिरता है। ये देखकर वो अपने दोनों हाथों में उस फूल को लेकर बोलता है, हे माता तुम धन्य हो, तुमने मुझे इशारा दिया कि कोई देवी जल्द ही मेरी जिंदगी में प्रवेश करके मुझे कृतज्ञ करने वाली है। जय हो माँ, जय हो। ये बोलकर मयंक खुशी से पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पीछे खड़ी एक लड़की ये सब देखकर हंस रही होती है। कुछ पल मयंक उसको बस देखता रहता है और अपने मन में दिल की घंटियों को बजाते हुए बोलता है, हे माँ कहीं यही वो देवी तो नहीं जिसका इशारा आपने मुझे अभी अभी दिया, जाकर वार्तालाप करता हूँ। मयंक उस लड़की के पास जाता है और उसको हंसता देखकर बोलता है, अरे देवी आपके हंसने का कारण क्या है, कृपया मुझे बताने का कष्ट करेंगी? देवी मैं कोई देवी नहीं बल्कि मेरा नाम इशिका है और मैं तुमको ऐसे प्रार्थना करते देख हंस रही थी, कितने फनी और क्यूट लग रहे थे। तारीफ के लिए शुक्रिया इश्क की देवी। इश्क की देवी, नाइस यार। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मयंक, और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। मुझे भी। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है, बाय। इशिका हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और दूर से ये सब देख रहा सौरभ मयंक के पास आकर बोलता है, ओए ये कौन थी और तेरे से इतना हंस हंस के क्यों बातें कर रही थी? क्या करूं, इसको जलाने के लिए बोलता हूं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बोल भी ले साले, मुंह बंद करके बैठा है। वो मेरी गर्लफ्रेंड तेरी होने वाली भाभी थी, समझा? हल्के में ले रहा था अपने भाई को, मैं तेरी तरह नहीं हूँ इंस्टा पर एंजल प्रिया से बात करूँ। साले तू तो पिटेगा, कल बच गया पर आज नहीं बचेगा। और हाँ, तू ये जो झूठ बोल रहा है कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है, अगर ऐसा है तो कल से वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट है, आशिकों के नवरात्रे, तो रोज भी तू उसको सबके सामने देगा, चॉकलेट भी और बाकी सब भी, बोल मंजूर है? यार मैं तो फंस गया। हाँ हाँ ठीक है, देख लियो कल सबके सामने उसको रोज दूंगा। अगले दिन से वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट होता है। मयंक गुलाब का फूल लिए
इशिका का इंतजार करता है और वो जैसे ही उसको आती हुई दिखाई देती है। वो अपने अंदर मंत्र पढ़ते हुए बोलता है, मन में है विश्वास तो हर डर है बकवास, चिंता मत कर मयंक, अब झूठ बोला है तो उसको सच बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर। इशिका भी मयंक को देखकर उसके पास आती है और उसको हाथों में गुलाब पकड़े देखकर बोलती है, हे कैसे हो और आज कौन सी देवी को मनाने के लिए फूल लिए खड़े हो। मयंक ये जानता था कि सौरभ उससे इतनी दूर है कि वो इशिका को कुछ भी बोलेगा तो उसको सुनाई नहीं देगा, इसीलिए वो रोज देने का आइडिया सोचते हुए बोलता है, मेरे लिए हर देवी एक समान है, इसीलिए मैं ये रोज यहाँ से आने वाली हर देवी को दे रहा हूँ, कृपया करके आप भी ये गुलाब स्वीकार करें देवी। हाउ क्यूट, थैंक यू फॉर दिस रोज। इशिका मयंक से गुलाब ले लेती है और उसको लेकर क्लास में चली जाती है, जिसके बाद सौरभ मयंक के पास आकर बोलता है, मान गया भाई तुझे, इतनी जल्दी तूने गर्लफ्रेंड कैसे बना ली, मुझे भी बताना। ये टैलेंट है, हट, अब मुझे मेरी बंदी के साथ क्लास लेने जाना है। पर वो फर्स्ट ईयर में है और तू सेकंड। तो क्या हुआ, प्यार में एक साल पीछे की पढ़ाई दोबारा भी कर लेते हैं आशिक। मयंक बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन प्रपोज डे पर मयंक इशिका के आने पर उसको कॉफी पर ले जाने के लिए बोलकर अपना हाथ देता है और इशिका भी उसके साथ चली जाती है। लेकिन दूर से देख रहा सौरभ ये सोचता है कि इशिका ने मयंक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे ही अगले दिन चॉकलेट डे पर मयंक इशिका को चॉकलेट देते हुए बोलता है, ये चॉकलेट खाओगी? चॉकलेट डे पर चॉकलेट तो सिर्फ गर्लफ्रेंड को दी जाती है। सही है, मत लो, मतलब हम गरीब लोग जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो जिसे अपनी दोस्त समझते हैं उसको चॉकलेट नहीं दे सकते। कोई नहीं, रहने दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लाओ दो चॉकलेट। इशिका मयंक से चॉकलेट लेकर उसको ओपन करके एक बाइट मयंक को खिलाती है और फिर खुद खाती है। ऐसे ही मयंक 12 फरवरी को हग डे पर किसी ना किसी बहाने सौरभ को साबित कर देता है कि इशिका उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन आज था किस डे, जिसके लिए मयंक बेचारा परेशान होकर बैठा था। तभी वो देखता है कि एक कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का सामने से आ रही इशिका का रास्ता रोकते हुए उसकी तारीफ करके उसको किस करने की कोशिश करता है, तो इशिका उसको जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। ये देखकर दूर बैठा मयंक बोलता है, यार इसने तो कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को चांटा चढ़ दिया, यार मुझे तो जूते से मारेगी। बेचारा डरा हुआ मयंक इशिका को अपने पास आता देखकर और डरने लगता है। तभी इशिका उसके पास आकर बोलती है, अरे आज बड़े उदास बैठे हो, आज किसी देवी ने किस नहीं करी क्या तुमको? अरे नहीं नहीं, किस तो सिर्फ गर्लफ्रेंड देती है ना, ये कोई प्रसाद थोड़ी है जो कोई भी दे जाएगी। अच्छा जी। इशिका मयंक के गालों पर किस करके जल्दी से वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मयंक खुशी से बोलता है, ये क्या था, आज तो बिना कुछ बोले ही किस मिल गई। वाओ यार, कहीं इशिका सच में मेरे से प्यार तो नहीं करने लगी। कल वैलेंटाइंस डे पर सब सच बता दूं क्या उसको? हाँ बता देता हूँ, साथ ही अपने दिल की बात भी बता दूंगा। अगले दिन मयंक अच्छे से तैयार होकर कॉलेज आता है और हाथों में एक दिल के आकार का गुब्बारा लिए इशिका के इंतजार में पलके बिछाए खड़ा होता है। तभी कॉलेज के गेट से रेड ड्रेस में इशिका आती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है। उसको सामने से आता देखकर मयंक के तो होश उड़ जाते हैं। तभी इशिका उसके करीब आकर बोलती है, और सर आज ये गुब्बारा किसके लिए, सबको दे रहे होगे फिर आज तो? नहीं, ये गुब्बारा मेरा दिल है और ये सिर्फ एक के लिए है, वो हो तुम। हाँ इशिका, आई लव यू। मैंने इस पूरे वीक तुमको झूठ बोलकर रोज दिया, चॉकलेट दी, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए असली थी, बस बोलने की हिम्मत नहीं थी। कल तुम्हारी किस ने मुझ में सच में हिम्मत भर दी, इसीलिए आज मैं सबके सामने तुमको बोलता हूँ, आई लव यू, विल यू बी माई वैलेंटाइन। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं जानती थी कि तुम सिर्फ मुझे ही आज तक रोज चॉकलेट देते आए हो, मैं भी तुमको पसंद करती थी, लेकिन चाहती थी कि तुम ये सामने से बोलो, और आज तुमने बोल दिया। तुम्हारे नवरात्रि सफल हुए मेरे आशिक, बिकॉज आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इशिका के मुंह से हाँ सुनकर
मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके आशिकों के नवरात्रि सफल हुए और अब मयंक के पास भी उसकी सच की एक देवी है, जिसकी वो हर साल आने वाले इन आशिकों के नवरात्रों में पूजा करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।